नमस्ते किसान दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल फार्मिंग वाला पे। तो किसान दोस्तों, आज वापस से आ गए हैं एक नए वीडियो के साथ, जिसमें आज के इस खास वीडियो में बात करने वाले हैं आप अपने मुर्गियों का वज़न को कैसे तेज़ी से बढ़ा सकते हैं। तो मैं इस वीडियो में डिटेल के साथ जानकारी देने वाला हूँ, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो किसान दोस्तों, अधिकतर फार्म में देखा जाता है कि किसान सारा चीज़ सिस्टमिक ढंग से देते हैं, जैसे फीड में प्री स्टार्टर, स्टार्टर, ग्रोवर, सब कुछ सही से चलता है, फिर भी वेट नहीं बढ़ता। तो दोस्तों, मुर्गियों में वेट नहीं बढ़ने का बहुत कुछ कारण हो सकता है, जैसे मुर्गियों का फीड अच्छा क्वालिटी का ना होना। अगर आप मुर्गियों को अच्छे क्वालिटी का फीड नहीं देंगे तो फिर वज़न धीमी होती है। ऐसा भी हो सकता है कि आप मुर्गियों को अच्छा क्वालिटी का फीड दे रहे हैं फिर भी वेट नहीं बढ़ रहा है। तो ऐसा में मुर्गियों के पेट में कीड़े हो सकते हैं। जो मुर्गियों को फीड आप देते हैं, उस फीड में से जितने भी विटामिन मिनरल्स है वह सब कीड़े के पेट में चले जाते हैं। इस समस्या के लिए आप मुर्गियों का डिवॉर्मिंग कर सकते हैं। तो अगर आपको डिवॉर्मिंग के बारे में जानकारी नहीं है तो आप इसके लिए हमने पहले ही एक सेपरेट वीडियो बना के रखा है, तो आप देख सकते हैं, हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। अगर आपके मुर्गियों के पेट में कीड़े भी नहीं हुए हैं तो ऐसा में हो सकता है कि आपके मुर्गियों के लीवर में किसी तरह का इन्फेक्शन हुआ हो, यह भी एक कारण हो सकता है मुर्गियों का वज़न नहीं बढ़ने का। तो आप लीवर को स्वस्थ रखने के लिए आप कोई भी अच्छा लीवर टॉनिक दे सकते हैं। लीवर टॉनिक में आप ब्रोटोन का उपयोग कर सकते हैं, यह लीवर के लिए काफ़ी अच्छा मेडिसिन है। इस मेडिसिन का उपयोग आप 100 वाट के हिसाब से 5 ml अपने मुर्गियों को पानी में दे सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपका मुर्गियों में किसी तरह का बीमारी नहीं है और आप अच्छा क्वालिटी का फीड भी दे रहे हैं फिर भी अगर वेट नहीं बढ़ रहा है, तो इसके लिए मैं आपको एक मेडिसिन का नाम बताऊंगा, जिसका उपयोग करके आप अपने मुर्गियों को काफ़ी तेज़ी से बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, इस मेडिसिन का नाम है जिप्रोमिन। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ आप लीवर टॉनिक में ब्रोटोन, इन दो मेडिसिन को आप अपने नज़दीकी वेटनरी शॉप से खरीद लीजिए, या आपको कोई भी वेटनरी शॉप में आसानी से मिल जाएगी। जिप्रोमिन दोस्तों, यह एक ग्रोथ प्रमोटर है। इसका उपयोग मुर्गियों का ग्रोथ को बढ़ाने के लिए किया जाता है। यह मेडिसिन दोस्तों लिक्विड फॉर्म में होता है। इसका उपयोग पानी में मिलाकर मुर्गियों को दिया जाता है। आप दोस्तों बात करते हैं इसके डोज के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इसका उपयोग हमें कितना दिनों तक करना है और कब कब इसका उपयोग करना है? तो दोस्तों, इस मेडिसिन का उपयोग आप जब आपका चूजा 30 से 35 दिन का हो जाता है उस दौरान आप इसका उपयोग कर सकते हैं। आप अपने फार्म में इस मेडिसिन का उपयोग करने से पहले आप अपने ड्रिंकर को पहले साफ कर लीजिए, फिर 100 मुर्गियों के हिसाब से आप 10 ml जिप्रोमिन और 10 ml ब्रोटोन, इन दोनों मेडिसिन को बढ़िया से मिला लीजिए। फिर आपको 2 लीटर पानी में मिक्स कर ले, फिर आप अपने मुर्गियों को सुबह के समय ड्रिंकर में डाल दें दिन भर के पानी में। फिर जब मेडिसिन वाला पानी ख़त्म हो जाए तो फिर आप नॉर्मल पानी दे सकते हैं। इस मेडिसिन का उपयोग आप 4 से 5 दिन तक दे सकते हैं। 10 दिन बाद फिर से 4-5 दिन तक देना है। और अगर आपका मुर्गी समय के अनुसार जितना वेट होना चाहिए उतना नहीं हुआ है तो आप लगातार 10 दिन तक दे सकते हैं, लेकिन रात के पानी में। तो जब आप इस मेडिसिन का उपयोग स्टार्ट करेंगे तो आपको 5 से 7 दिन के अंदर में ही आपको इसका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। इस मेडिसिन को दोस्तों मुर्गियों का ग्रोथ को बढ़ाने के लिए ही बनाया गया है, इसे ग्रोथ प्रमोटर कहा जाता है। यह दोस्तों मुर्गियों के लिए बहुत ही अच्छा मेडिसिन है, आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, मुर्गियों का वेट को कैसे तेज़ी से बढ़ाया जाता है इसके बारे में आपको जानकारी मिल गई होगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, यह छोटी सी वीडियो में यह महत्वपूर्ण जानकारी
आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, ताकि आगे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू दोस्तों अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। मिलते हैं कोई और वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।